बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जेएनयू में पथराव, एनएसयूआई बोला बड़े संस्थानों में दिखाएंगे डॉक्यूमेंट्री। कांग्रेस नेता अनिल एंटनी ने कहा ये देश के लिए खतरनाक। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री को लेकर मंगलवार देर रात को बवाल हो गया। देर रात क्यूआर कोड से मोबाइल पर डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्र पर पथराव किया गया। पथराव किसने किया यह नहीं पता चल पाया है। अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर भाग गए। इससे पहले यहां छात्र संघ कार्यालय की बिजली और इंटरनेट मंगलवार रात बंद कर दिया गया था, जिसे देर रात बहाल कर दिया गया। इधर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देश भर के बड़े संस्थानों में दिखाई जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने मामले में पार्टी से अलग रुख अपनाया है। उनका कहना है कि बीबीसी के विचारों को प्राथमिकता देना बहुत खतरनाक है, यह देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। जेएनयू के छात्रों ने वसंत कुंज थाने तक मार्च किया। छात्रों ने थाने के बाहर धरने पर बैठकर प्रोटेस्ट किया। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट आईसी घोष ने पत्रबाजी के लिए एबीवीपी पर आरोप लगाया। आईसी ने कहा हमने 25 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे हमले की जांच करेंगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।